सो हेलो गाइस, दिस इज वैनिक्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं TDM के कुछ टिप्स के बारे में, जो कि आपको TDM मास्टर भी बना सकती है। सो सबसे पहले आई एम सॉरी गाइस कि मैंने 4 दिन से एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन करवाया और उसके चलते मैं बीमार हो गया था। इसके वजह से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। अब मैं ठीक ठाक हो चुका हूँ, तो मैंने वीडियो जल्दी से बना दिया और अपलोड कर दिया। और इस वीडियो में हम कुछ जेन्युइन टिप्स के बारे में बात करने वाले, जो कि आपको कुछ ही वीडियो में मिलने वाले हैं यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो। बाकी वीडियो में सब आपको वैसे का वैसा ही मिलने वाले, उसके बारे में भी बात करेंगे और जेन्युइन टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे ग्रोथ के बारे में। 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके थे और अभी और सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइज। मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऐसा कितना इंसेन ग्रोथ कैसे हो रहा है, इतना मेरा दिमाग हिल चुका है। तो यार गाइज अभी क्या ही बोले। तो यार गाइज अपना फर्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज यूज़ लो डैमेज गन्स। तो यार गाइज इसका मतलब है कि ऐसी गन यूज़ करो जिससे आप जब भी फाइट लेने जाओ तब आप डिसएडवांटेज में रहोगे। जैसे अगर आप M4 को यूज़ कर सकते हो, अगर सामने वाला बैरल यूज़ कर रहे हो, तो आप लो डैमेज गन्स यूज़ करो जिससे आपको डिसएडवांटेज पड़े। अगर उस सिचुएशन में भी आप जीतते हो तब मान लो कि आपका स्किल सेट है वो किस लेवल का है। तो यार गाइस हाई डैमेज वाले जो गन रहते हैं उनको यूज़ ही मत करा करो, और जो लो डैमेज वाले गन होते हैं जैसे M4 हो गया अपना, ऐसे एवरेज वाले जो गन्स हैं उनको ही यूज़ करा करो। हमेशा M4 ही यूज़ करा करो, मेरा तो मानना है। बैरल AKM की तरफ मुड़ना भी मत, क्योंकि उससे आपको एडवांटेज मिलता है अगर सामने वाले पे M4 है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको डिसएडवांटेज में फ़ाइट लेनी है जब भी आप फाइट लेने जाते हो। तो यार गाइस अपना सेकंड पॉइंट है, टाइप्स ऑफ क्लोज रेंज। तो यार गाइस सबको पता ही होगा, अगर जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूँ कि 2 टाइप्स होते हैं क्लोज रेंज के। फर्स्ट टाइप होता है कि दोनों के दोनों बंदे कवर से बाहर आएंगे और जिगल फाइट लेंगे, जिसका एम अच्छा जिसका मूवमेंट अच्छा वो जीत जाएगा। और सेकंड पॉइंट रहता है कि कवर टू कवर फाइट लेना, प्री फायर देना, हेडशॉट्स देना। मुझे सेकंड टाइप बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा फुल गेम प्ले सेकंड टाइप पे ही रहता है। आपने बहुत सारे वीडियोज़ अगर मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं सेकंड टाइप पे ही खेलता हूँ, मतलब मैं कवर टू कवर ही खेलता हूँ। मेरे को जिगल फाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब है पसंद लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि मेरा क्या होता है जिगल देते देते स्टार्टिंग में ही मेरा एम चोक हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे हार जाता हूँ। और अगर आपका स्टार्टिंग में ही चोक हो जाता है जिगल टू जिगल फाइट लेते हुए, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, सेकंड टाइप में मूव करना चाहिए जैसे मैंने किया है। तो आपको सेकंड टाइप पे काम करना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए, आप जिगल वाले को भी मार सकते हो इजीली। तो यार गाइस अभी पॉइंट को डिस्कस करने से पहले दो टिप्स देना चाहता हूँ। फर्स्ट टिप है कि ग्रिप, आप लेज़र ग्रिप यूज़ कर सकते हो जिससे आपका जो रिकॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, ये तो सबको पता है। इसलिए आप जब भी आप TDM में मैच खेलने जाते हो तब आप लेज़र ग्रिप को यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि मत यूज़ करो। डेफिशिएंसी में मैच खेलो, डेफिशिएंसी में अपने जो फाइट्स है वो लो, मतलब डिसएडवांटेजेस में रहो और इम्प्रूव करते रहो। और सेकंड पॉइंट है उसको आपको ऑफ करना है अभी के अभी, जो कि है स्लाइड। उसको आपको आपने अभी तक ऑफ नहीं किया है तो अभी कर दो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका गेम प्ले इम्प्रूव नहीं होने वाला है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये हो गए अपने पॉइंट्स। अभी बात करते हैं अपना जो अपना थर्ड पॉइंट है उसके बारे में। सो अगर थर्ड और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको कुछ ही वीडियो में ये पॉइंट मिलेगा अगर आप सर्च करके देखते हो तो, जो कि है ग्लिचेस को मत यूज़ करा करो। मतलब आपने अगर सर्च किया TDM टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उनमें उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए, और ग्लिचेस का यूज करके भी सामने वाले को कैसे मारते, सामने वाले को कैसे सरप्राइज करना है वो सब भी बताया है। इस पे चढ़ो, उस पे चढ़ो, क्यों चढ़ना है इस पे स्किल्स पे काम करो ना, ग्लिचेस बिचेस क्यों यूज करना है। मेरा तो मानना है ये सब भूल जाओ, स्किल्स पे काम करो, क्रॉस एयर पे ध्यान दो, जिगल पे ध्यान दो, मूवमेंट पे ध्यान दो, जॉयस्टिक पे ध्यान दो, इन सब पे ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट में ध्यान दो। ये सब फालतूगिरी करने में मत टाइम वेस्ट करो अपना, और ग्लिचेस बिचेस इस पे चढ़ो वो हवा में उड़ो, ये सब कुछ नहीं होता है। होता है मतलब है, बंदे करते हैं, लेकिन इससे आपका इंप्रूवमेंट क्या आएगा, किल्स बढ़ेंगे, किल्स बढ़ेंगे, इससे आपका गेम प्ले में इंप्रूवमेंट क्या आएगा। सामने वाला सरप्राइज होगा, लेकिन कितनी देर तक सरप्राइज रहेगा, वो 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद वो भूल ही जाएगा। तो इससे आपके गेम प्ले पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, सामने वाले पे नहीं। तो आपको स्किल्स पे ध्यान देना है। अगर आप इसको यूज़ कर रहे थे या फिर स्टिल कर रहे हो तो आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन ये रियलिटी, आपको आपके स्किल्स पे ध्यान देना है, ना कि ग्लिचेस वगैरह को फाइंड करते रहना है और उसका यूज़ करना है। तो यार गाइस पॉइंट नंबर 4, तो इसका नाम मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत सारे बंदों को दिक्कत देने वाला है।
किन बंदों को? उन बंदों को जिनकी मेंटेलिटी ही ऐसी है, यार सामने वाला कितना गंदा मार रहा है, निकालो ग्रोजा, निकालो उजी, निकालो ये, निकालो वो, मारो सामने वाले को, मारो इनको, कैंप करो, नेट डालो, इस मेंटेलिटी के हो आप टीडीएम में, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आप इम्प्रूवमेंट छोड़िए दो, आपका इम्प्रूव कुछ नहीं हो सकता। तो आप इस मेंटेलिटी के हो तो मेरे भाई मेंटेलिटी चेंज करो। मैं बताता हूँ कैसे चेंज करना है आपको। मेंटेलिटी चेंज करना है, सोचना है, एक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको टीडीएम एज अ एक्सपेरिमेंट यूज़ करना है। जब भी आप कोई नई चीज़ सीखो क्लोज रेंज में, तो आपको सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेन करना है खुद को। ट्रेन करने के बाद उसको अप्लाई करना है। तो हम क्लासिक में तो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपको रैंक की और केडी की चिंता है, तो आप क्लासिक में तो नहीं यूज़ कर सकते। तो हमें टीडीएम में यूज़ करना है। तो टीडीएम हमें दिया ही इसलिए है कि हम उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। सो टीडीएम इज़ जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। हर बार कोई छोटे छोटे ट्रेनिंग्स या फिर ड्रिल्स ट्रेनिंग में सीखो और उनको टीडीएम में अप्लाई करते रहो। इससे आपका गेम प्ले इम्प्रूव होता जाएगा। और ऐसा कभी भी मत करना कि ग्रोजा निकाली, उजी निकाली और सामने वाले को मारने लगी और 40 बंदों को मारने के बाद जीत गए टीडीएम। इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपका इम्प्रूवमेंट कितना होगा उससे मैटर करता है कि आप प्रो हो या नूब हो। तो यार गाइस, पॉइंट नंबर 5, ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाले बंदों को, उन बंदों को जिनको फैंसी मूव्स बहुत ज़्यादा पसंद है और वो अपने स्किल सेट पे ध्यान नहीं देते, वो हर बार कुछ फैंसी करने का ट्राई करते रहते हैं। तो मेरा उनको यही एक सजेशन रहेगा कि गाइस, कभी भी फैंसी मूव्स के पीछे मत भागो, स्किल सेट के पीछे भागो, अपना गेम प्ले इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करते रहो। तो यार गाइस, अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाना चाहता हूँ कि आपने कितने प्रो प्लेयर का टीडीएम मैचेस देखा हुआ है। अभी वो याद करो और उनमें से कितने बंदों ने सामने वाले प्रो प्लेयर को फैंसी मूव करके मारा है वो भी याद करो। अब कर लिया क्या याद? अभी आपको आंसर मिलेगा नहीं, कि किसी भी प्रो प्लेयर ने सामने वाले को फैंसी मूव दिखा के नहीं मारा है। सामने वाले को क्रॉस एयर से मारा है, जिगल फाइट लेके मारा है, मतलब कोर जो स्किल्स रहती है उससे मारा है, फैंसी मूव से नहीं मारा। तो अभी बात करेंगे अपने ऊपर। तो हमें भी यही करना चाहिए, हमें अपना स्किल सेट के बारे में ध्यान देना चाहिए, ना कि फैंस की फैंसी मूव्स पे। तो यार गाइस, ये रही टिप्स। और एम असिस्ट ऑफ रखा करो टीडीएम में खेलते समय, उससे बेनिफिट रहेगा। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी टिप से या फिर पॉइंट से आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। कौन से पॉइंट से आपको बुरा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, खतरनाक लिख देना अगर स्टिल यहाँ तक वॉच कर रहे हो तो कमेंट में। और शेयर विथ योर फ्रेंड जिनको ये पसंद आएगा, आपको ऐसा लगता है, लाइक कर देना वीडियो को, स्टिल यहाँ तक देख रहे हो सब्सक्राइब कर देना अभी के अभी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I think I sing it again. She had no second chance. That's like what. I think I sing it again. She had no second chance. That's like what. I think I sing it again. Sing it again.